नमस्कार, फोकस पॉइंट को आपण मानको स्वागत करुछी मु वंदिता। कोरोना संकट काल रे लोकक जीवन बचाइबा को विभिन्न लोक विभिन्न उपाय अवलंबन करुछंती। पुलिस गोटे पटे लोकक सचेतन करुछी तो अन्य पटे लॉकडाउन मानिबा को बाध्य करुछी। अन्य पटे लोकक अवसाद दूर करिबा को मध्य चेष्टा करुछी पुलिस। कोरोना को हराइ देइछंती जणे सीनियर सिटीजन आउ तांका बयस होउछी 90 वर्ष, किंतु कोरोना संकट काल रे निज जीवन ठारु हारी जाइछंती जणे वेटरन अभिनेता जहांक अभिनयर जादू कोटी कोटी लोक को मंत्रमुग्ध करुथिला से इरफान खान आउ नहांती। इरफान खान जणे एमिती अभिनेता जे बॉलीवुड रे सृष्टि करथिले नुआ दिगंत। निखुण अभिनय सांग को नियारा व्यक्तित्व, छोट परदारु नै बड परदा, बॉलीवुड नै हॉलीवुड, दर्शकक ठारु नै सिने समीक्षक समस्तक हृदय रे से स्वतंत्र स्थान हासिल करथिले। निजर चमत्कार अभिनय एवं दमदार डायलॉग बळरे जे कोनोसी चरित्र को जीवंत करि देउथिबा अभिनेता इरफान खान आउ नहांती। 53 वर्ष बयसरे इरफान मुंबई रे शेष निश्वास त्याग करिसेंति। हासिल फिल्म रे खलनायक भूमिका पई इरफान को मिलिथिला फिल्म फेयर अवार्ड। दमदार अभिनय और डायलॉग थिला जहांक परिचय, तारकांक मध्यरे हजिगले अभिनयर तारा, चमत्कार कलाकार दमदार अभिनय केउठी हजिगले बॉलीवुड रो इरफान। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार, मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। बॉलीवुड रो से मदारी एबे दुनिया को कहिदेले अलविदा, सही तारका जे निजर चमत्कार अभिनय और दमदार डायलॉग डेलीवरी पड़े सिने दुनिया रे हासिल करथिले स्वतंत्र परिचय। महानायकक ठारु नै दिग्गज कलाकारक जाए थिले जहांकर फैन, आखि बुझिले सही पान सिंह तुमार। बॉलीवुड रु नै हॉलीवुड जाए जहांकर कोटी कोटी फैन, अभिनय दुनिया रो सही तारका इरफान खान एबे अस्त हुई गले। मुंबई रो कुकड़ाबेन हॉस्पिटल रे शेष निश्वास त्याग कले हजारे में लमकता कल। मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है, देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make lemonade। बोलने में अच्छा लगता है पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। And yes, wait for me। बाथरूम रे पड़ जिबा परे इरफान को डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाय थला। गोटिए सप्ताह हला से आईसीयू रे थिले। ब्रेन ट्यूमर रे पीड़ित थिले इरफान, अंतर्नाड़ी संक्रमण भी बढ़ी जाय थला। इरफान को रोग थिला न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। लंडन रे से कराई थिले चिकित्सा। चिकित्सा परे 2019 अप्रैल रे भारत फेरी थिले। फेरिबा परे अंग्रेजी मीडियम फिल्म रो शूटिंग भी करी थिले। निकटरे रिलीज होइथिला फिल्म अंग्रेजी मीडियम। गत शनिवार इरफान का माँ सईदा बेगम कर जयपुर रे निधन होइथिला। लॉकडाउन और स्वास्थ्य खराब थिबारु इरफान माँ कर अंतिम संस्कार को जाई पारि नथिले। वीडियो कॉल माध्यम रे माँ को देथिले अंतिम विदाय। इरफान का परिवार रे अछंती पत्नी सुतापा सिकदर ओ दुई पु बाबिल वयान। राजस्थान टोंकर रा नवाब परिवार रे होइथिला इरफान का जन्म। 1967 जनवरी 7 रे जन्म होइथिबा इरफान को पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान। पिला बेलु क्रिकेटर हेबा को चाहुथिले इरफान, किंतु आर्थिक समस्या कारण रो छाडीथिले क्रिकेट करियर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रे पढिबा सह आरंभ कले अभिनय, आउ तापरे दमदार अभिनय बळरे बॉलीवुड रे सृष्टि कले निजर स्वतंत्र परिचय। मकबूल, लाइफ ने मेट्रो, द लंच बॉक्स, पिकू, तलवार, हिंदी मीडियम भली फिल्म रे बलिष्ठ अभिनय रो छाप छाडीथिले इरफान। हासिल फिल्म रे खलनायक भूमिका पाई इरफान को मिलिथिला फिल्म फेयर अवार्ड। एहा छडा लाइफ ने मेट्रो पाई बेस्ट एक्टर ओ हिंदी मीडियम पाई बेस्ट एक्टर भाबे जितिथिले फिल्म फेयर अवार्ड। पान सिंह तमार फिल्म पाई इरफान को मिलिथिला जातीय चलचित्र पुरस्कार। अभिनय ओ कला क्षेत्र रे तंकर योगदान को देखि भारत सरकार इरफान को पद्मश्री सम्मान रे भी सम्मानित करथिले। निज अभिनय ओ डायलॉग डेलीवरी माध्यम रे
ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଉଥିବା ଇରଫାନଙ୍କର ହେଲା ଅକାଳ ବିୟୋଗ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଯୁଗ ଯୁଗ ଯାଏଁ ସେମିତି ରହିବ ଆମର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଇରଫାନଙ୍କ ପରଲୋକରେ ବଲିଉଡ୍ରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର, ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଅନୁପମ ଖେର, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା, ନନ୍ଦିତା ଦାସ, କାଜୋଲ, ଅଜୟ ଦେବଗନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଜିତ ସରକାର, କ୍ରିକେଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ବିରାଟ କୋହଲି ପ୍ରମୁଖ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। और आज हमें बड़ा ही अफसोस और दुख हो रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। हम कुछ अल्फाज नहीं हैं हमारे पास कहने के लिए। बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति करना नामुमकिन है। इंडिया से एक ऐसा सितारा चला गया जिसको वापस आना बहुत मुश्किल है। वेरी सैड टू हियर द डिमाइस ऑफ इरफान खान। वेरी टैलेंटेड, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी ह्यूमन पर्सनैलिटी। इरफान को बहुचर्चित फिल्म हिंदी मीडियम फिल्म रिलीज हेबा पूर्वरु न्यूज 18 रो एक शो को आसीथिले इरफान खान कहिथिले हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कॉमेडी एवं क्यारेक्टर कथा बताइथिले बॉलीवुड एवं हॉलीवुड मध्येरे पार्थक्य। ताक सह आलोचना करिथिले किशोर आजवानी। हमारे साथ हैं खुद इरफान। अच्छा, आप वैसे इंग्लिश मीडियम वाले हैं? मैं इंग्लिश मीडियम वाला हूँ, लेकिन दिमाग मेरा अंग्रेजी मीडियम नहीं हो पाया। हमें डाला तो गया था इसीलिए कि भाई हम अंग्रेजी सीख जाएं, कि उन्होंने एक मान्यता है कि भाई अंग्रेजी सीख लेगा आदमी तो जो है वो कहीं पहुंच जाएगा, और जिसको नहीं आती वो अपने ही बोझ से दब जाता है। बाकी दूसरा तो उसे कोई कटाक्ष करे ना करे, दूसरी नजर से देखे ना देखे, खुद ही आदमी इस बोझ में दब जाता है कि यार मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो वो अपने पर ही मतलब अपने लिए खुद ही पहाड़ खड़ा कर लेता है इसका। हम पढ़े अंग्रेजी स्कूल में, लेकिन हमारा दिमाग जो है वही देसी रहा, अभी तक सोचते हिंदी में ही है। अच्छा, आप जवाब दीजिए इरफान जी। वैसे इरफान साहब तो हिंदी में भी देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदी बोली नहीं पाते। अब देखिए, ये पुराने एक्टर्स थे, उनका जबान अंग्रेजी नहीं थी, मतलब अंग्रेजी में सोचते नहीं थे वो। हालांकि अंग्रेजी में सब बहुत अच्छे जानकार थे सब लोग, लेकिन आजकल की जनरेशन जो है वो अंग्रेजी में ही उनकी पढ़ाई हुई है, अंग्रेजी में ही उनकी शिक्षा हुई है, अंग्रेजी में ही सोचते हैं। तो अब उन पर क्या भले, उनको कैसे अब आप दोष दें, क्योंकि उनके पास चॉइस ही नहीं थी। बचपन में उन्हें डाल दिया गया अंग्रेजी स्कूल में, अब उनको परिचित नहीं कराया गया, अब उनकी मजबूरी है कि उनको हिंदी सिनेमा में काम करना पड़ रहा है। एक मेरा सवाल ये कि अंग्रेजी से हमको फायदा भी तो होता ना बहुत। बिल्कुल, वो तो बुराई क्या है अगर मैं बताता हूँ बुराई क्या है। सॉरी, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, आप मैं मुझे अंग्रेजी सीखना, चाइनीज सीखना, फ्रेंच सीखना, रशियन सीखना कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी जबानें सीखेंगे उतना आपका दिमाग जो है खुलेगा, बढ़ेगा, और उसका सोचने का तरीका अलग हो जाएगा। लेकिन अपनी जबान पे मतलब भरोसा ना होना, उसको समझना कि वो कुछ कमतर है, ये गड़बड़ है। अब आप वहां भी फिल्में करते हैं और वहां भी एक माहौल दूसरा सा चल रहा है, तो वो आपको ये ट्रंपिस्तान में कुछ दिक्कत तो नहीं होगी? अभी तो शुरुआत है, किस तरह से चीजें सेटल होती हैं ये बहुत अर्ली स्टेज है। ऐसी अभी तो कोई दिक्कत इस तरह की नहीं हुई है। जितनी भी न्यूज बनती रही है अभी उस तरह का हमें तो कुछ फेस करने को नहीं मिला, लेकिन एक डेफिनेटली सोसाइटी इज गोइंग टू चेंज, बहुत सारा कुछ बदलेगा वहां, काफी कुछ बदलाव आएंगे। अब देखना होगा किस तरह से कहां कैसे सेटल होती हैं चीजें, किस तरह से जो फिल्में जो वहां बन रही थी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बन रही थी और उसमें सभी देशों से लोग काम करने जा रहे थे, क्या ऐसा नहीं हो पाएगा? वो उनकी जरूरत है, वो हॉलीवुड की जरूरत है कि वो दूसरे मुल्क से टैलेंट ले और अपने मार्केट को फैलाने के लिए दूसरे मुल्क के टैलेंट को उसमें शामिल करे। ये उनकी जरूरत है और हमेशा से रही है ये जरूरत। मुझे नहीं लगता कि इसको जो है इस पर कोई आंच आएगी। जो सवाल एक और जो मंडरा रहा है इस फिल्म को लेके, कि अब ये फिर पाकिस्तान की तरफ से हमला हो गया, फिल्म में हीरोइन पाकिस्तान से हैं, फिर वो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, उसका क्या जवाब है? ये उसमें फिर ये हिंदी और इंग्लिश वाली लड़ाई पीछे न छूट जाए? मुझे नहीं लगता कि वो लड़ाई उतनी बढ़ेगी। वो एक बार हो चुका, वो हुजूम, वो तमाशा एक बार हो चुका है, तो अभी वो तमाशा शायद उतना बड़ा ना हो, और होगा तो भी ये मुद्दा ऐसा है कि इस मुद्दे को मतलब ओवर पावर करना मुश्किल होगा। आप ये समझिए, वो इंडस्ट्री बहुत छोटी है, और वहाँ का एक्टर अगर आया, उसको अगर 40-50 लाख रुपए मिल गए और आपकी फिल्म चलती है और आपकी फिल्म अगर करोड़ों कमाती है, तो आपके प्रोड्यूसर को फायदा होता है। यहाँ पे टैलेंट नहीं था क्या, वहां जाने की क्या जरूरत थी? जब
फिल्मों का एक्सपैंड होना होता है, ये हॉलीवुड क्यों इसको जरूरत पड़ रही है कि वो दूसरे मार्केट को एक्सप्लोर करे, दूसरी जगहें जाए, अपने अपने मनोरंजन में वैरायटी लाए, तो इसके लिए नहीं, पर हमारी फिल्में पाकिस्तान में कहां एक्सपेंड होगी, वो तो वहां दिखाई भी नहीं जा रही। नहीं दिखाई जा रही है और वहां का मार्केट और बढ़ता जा रहा है, और वो सिर्फ वहां के मार्केट पे, वहां का मार्केट नहीं है, वो फिर दुबई का भी है, फिर वो लंदन में भी है, जितना जैसे इंडियन डायस्पोरा है वैसे पाकिस्तानी डायस्पोरा है, तो हर जगह फिर उसका असर पड़ता है। कॉमेडी स्क्रिप्ट आप तलाशते हैं या उस तरह की कॉमेडी जैसी होती है वो आपको मिलती, आप करना नहीं चाहते? मैं कॉमेडी स्क्रिप्ट तलाशता हूँ बिल्कुल, और बीच में बहुत सारी कॉमेडी स्क्रिप्ट आई, कुछ कॉमेडी ऐसी होती है कि जो सिर्फ आप घुसो हॉल के अंदर, जोक्स हैं ये है, आप मतलब हंस हंस वो हंस के आ जाओ, बाहर आ जाओ, और वो सिर्फ चुटकुलों तक रह जाए और उसके अंदर कोई बात ऐसी ना हो जो आप साथ ले जाओ, तो उस वो कभी कभी करने में ठीक लगता है लेकिन हमेशा करने में ठीक नहीं लगता। मैं अभी ऐसी ढूंढ रहा था जिसमें कि कुछ और भी हो, मतलब सिर्फ टाइम पास के अलावा, मनोरंजन के अलावा कुछ और भी एक लेयर हो। इस तरह ये जो फिल्में आप, ये जो यहाँ पे हिंदी मीडियम जैसी फिल्में करते हैं, ये आपको अपने इंटरनेशनल करियर में मदद देती हैं कि ये इसका कोई सीधा वास्ता तो है ही नहीं? मेरा कोई भी ना हॉलीवुड यहाँ मदद करता है ना मेरा यहाँ काम करना वहाँ मदद करता है, ये दोनों मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल सेपरेट है और इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है और ये एक दूसरे को फीड नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। आपकी ख्वाहिश क्या है कि आप न्यूयॉर्क में, बर्लिन में, बैंकॉक में, होनोलुलु में रास्ते पे निकल ना पाए, लोग एकदम से पहचान लें, क्या इस तरह का यश आपकी ख्वाहिश है? उस तरह के यश ने मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं किया, ये तो बाय प्रोडक्ट होता है। मैंने कभी ये भी नहीं इमेजिन नहीं किया था कि मतलब मैं एक्टर बनना इमेजिन किया था, लेकिन कि बाहर जाके 25 सेल्फी खिंचवाना पड़े ये मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, और वो आपको कई बार जो है उससे दिक्कत ही होती है, लेकिन उस दिक्कत से हमें कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो एक पैकेज डील है। आपको एक्टर बनना है, आपको अपनी तरह का काम करना है, अपनी तरह की बात कहनी है, अपनी तरह की एक याद छोड़नी है लोगों में, एक अनुभव छोड़ना है, वो आपकी जरूरत होती है। बाकी अब उसमें न्यूयॉर्क में लोग पहचाने और होनोलुलु में पहचाने, वो उस तरह से आप सोचते नहीं, उस तरह से आप सपना भी नहीं देखते। वो बहुत ही जब टीनेजर से तब देखा करते थे कि यार मैं बन जाऊंगा एक्टर तो लोग हाथ हिलाएंगे, वो वहीं तक रह गया, उसके बाद फिर कभी वो सपने में मतलब साथ रहा नहीं वो इतना। सबसे पहले लोगों ने कब हाथ हिलाया? तो शुरू में चंद्रकांता वगैरह ये सब करना शुरू किया तो फिर तो लोग शीशे तोड़ने लग गए थे, लेकिन वो उसका चक्कर ये था कि वो कैरेक्टर का नाम ज्यादा जानते थे, मेरा नहीं जानते थे। मुझे बद्रीनाथ के नाम से जानते थे, इरफान नहीं जानते थे, तो मुझे उससे दिक्कत थी कि भाई मेरा नाम तो जानो यार। आपको यहाँ पे, यहाँ की इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स ने अलग नजरिए से देखना शुरू किया जब देखा कि अरे तो हॉलीवुड वाले हैं? उनके थोड़ा सा उनको एतराज हुआ एक्चुअली कि वहां नाच रहे हो बेटा, यहाँ के नाचो जरा, तब हम समझेंगे। तो एक तरह का ग्रज था कि अरे वहां कर लोगे, वहां कर लेने से क्या होया, यहाँ करके दिखाओ जरा। अच्छा, कहाँ मुश्किल है ज्यादा? वो बड़ी इंडस्ट्री मुश्किल, तो वहां मतलब वहां ऑडिशन मिलना मुश्किल है, रोल चांस मिलना तो बड़ी बात है, ऑडिशन मिलना मुश्किल है। लेकिन वहां वो नाचना गाना नहीं पड़ता जी, इसीलिए मेरा थोड़ा सहज रहता हूँ। तेपन वर्ष बयसरे जीवन सह संघर्षरे हारिगले इरफान खान, किंतु 90 वर्ष बयसरे मारात्मक कोरोना को हराई देइछंती जने व्यक्ति। चलंतु कथा हेबा सेही उत्साह बाबदरे जहाँ आगे बयस फिका पड़ी, सेही उद्यम को सेही परिश्रम को सलाम। आज्ञा हाँ, आज आम आपंक से व्यक्ति को भेटाइबा को जाऊछु, जहां को भेटिबा परे आपण भी तांकर जने फ्यान पलटि जिबे, आउ ए उदाहरण समस्त को कोरोना सह लढ़िबा लागि प्रेरणा देबो। ताली बजा जाउछि, फूल बरसुछि, जोरदार स्वागत चलिछि। बाहर को बाहरुथिबा ए व्यक्ति को देखंतु, यांको चेहरा रे एही आनंदमय हस को देखंतु, ए हस एक विजयर हस। आज्ञा हाँ, जो बयस से कोरोना को हर चारिड़ तार प्रशंसा करा जाउछि, समस्ते तांको उत्साह को सलाम करुछन्ति। शरीर दुर्बल होछि सत, किंतु 90 वर्ष बयस वरिष्ठ नागरिकों जीवार इच्छा शक्ति कोरोना को पराजित करिछि, एंकर आत्मविश्वास आगरे हार मानिछि कोरोना। बोधहुए उत्साह थिला कोरोना को हरैबा लागि, आउ सुस्थ हेबा परे ही वरिष्ठ व्यक्ति जनक बिना कहा सहायतारे बाहर को बाहरी थिले, आउ आम्बुलांस रु बाहरी चली चली निज घर को गले। हमारे 90 साल के
जो मरीज, उन्होंने अपना हौसला रखा, सहन शक्ति रखी, इसलिए आज वो जो है यहाँ से बिल्कुल ठीक होके जा रहे हैं। हमें अपन को कह रखुछु 90 वर्ष वयस्क ए व्यक्ति नाम भवानी शंकर शर्मा। 12 एप्रिल भवानी शंकर SMS हॉस्पिटल रे भर्ती होइथिले। 14 एप्रिल रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आसिला। 28 एप्रिल भवानी कोरोना मुक्त हो घर को फेरिछंती। भवानी शंकर 16 दिन जयपुर SMS हॉस्पिटल रे कोरोना विरोध रे संग्राम करथिले और विजय भी हासिल करिछंती। आम समस्त को भवानी शंकर कठारु शिक्षा नेबा उचित। कोरोना को भय करबा उचित नहि, धैर्यर सह यार मुकाबला करबा उचित। आम इच्छा शक्ति एते सुदृढ़ हेब जे एहा फलरे कोरोना उपरे निश्चय विजय हासिल करिवो। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। रातिरे ड्यूटी करुथिबा पुलिस कर्मीक पाखरे जा पहुंचाउथिबा चुरु एसपी एबे आरंभ करिछन्ते एक नियारा उद्यम, जहाँ केवल राजस्थान नुहे सारा देशर पुलिस लागि नुआ रास्ता भेटाइछि। तांकर ए उद्यम संपर्क रे सारा देशर एबे चर्चा। आसुन देखिबा रिपोर्ट। कोरोना काल रे एसपीक नियारा अभियान। चुरु पुलिस रो फेसबुक पेज रे जोडी हेउछन्ति बडो चेहरा। हिट हेउछि एसपीक फेसबुक फार्मूला। सेलिब्रिटी मानंक ठारु हजार हजार लोक नेउछंती सक्सेस टिप्स। कोरोना लॉकडाउन समरे घरे रही अनेक अनुनिश्वासी अनुभव करुछंती। एमानंक उत्साह वृद्धि लागि लोकंक साहस जुटाइबाकु चुरु एसपी आरंभ करिछंती एक नियारा उद्यम। चुरु पुलिसर फेसबुक पेज को आसुछंती एकाधिक विशिष्ट व्यक्ति। एहि सेलिब्रिटी माने लोकंक साहस ओ धैर्य रखिबा लागि परामर्श देबा सह एथिपई केतक उपाय भी बताउछंती। हमें उम्मीद से ज़्यादा इसमें व्यूअरशिप मिल रही है, लोग इसको काफ़ी सराह रहे हैं। चूरू की जनता के अलावा दुबई, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई से भी लोगों के मैसेजेस और ईमेल्स आ रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है। एबे चुरु पुलिस रही अभियान रे भाग नउथिबा सेलिब्रिटी मानंक संपर्क रे आसंतु जानिबा। एमानंक मध्यरे अछंती राजीव गांधी खेल रत्न विजेता देवेंद्र झाझड़िया, थिएटर निर्देशक अतुल सत्यकौशिक, सूफी म्यूजिक लेजेंड रूहानी सिस्टर्स, पंजाबी गायक अशोक मस्ती, मोटिवेशनल लेखक एन रघुरामन, प्रख्यात चित्रकर दिनेश प्रधान, बॉलीवुड गायिका अनामिका, कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज, अभिनेता पंकज त्रिपाठी, अभिनेत्री महिमा चौधरी, अभिनेत्री लारा दत्ता। एसपीक उद्यम को लोके प्रशंसा करुछंती। प्रतिदिन संध्या 5:00 to 7:00 जाए लोके फेसबुक रे जोड़ी हेउछंती। देश समाज रही नायक मानक ठारु सफलतार मंत्र नेउछंती। प्रतिदिन 2000 अधिक लोक सेलिब्रिटी को प्रश्न पचारुछंती। चुरुर जिलापाल प्रथमे ऑनलाइन सेशन रो आरंभ करथिले। लोकंक एभली विपुल योगदान मिलुथिबारु पुलिस भी उत्साही। लेकिन मैं इसका असली जो सक्सेस है वो ये मानती हूँ कि शाम के टाइम पे जो भीड़ कंट्रोल करने में हमें प्रॉब्लम हो रही थी, उसमें लगभग 30-40% कमी आई है भीड़ की। लोग अंदर हैं और लोग ईगरली वेट कर रहे हैं कि कल के दिन कौन सा सेशन आएगा। 19 अप्रैल कोरोना संक्रमण रे भवित हुए जने युवक आत्महत्या करथिले। एहा पर एसपी तेजस्वी गौतम को मन रे भावना आसिला जे किछि एमिति काम करिवे जहा द्वारा लोकंक मनरु अवसाद दूर हेबो। कोरोना संपर्क रे लोके निज सेलिब्रिटी को ठारु टिप्स भी नै परिबे। तो जो मैसेजेस जो हमारे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो ईमेल्स आ रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय और उत्साहवर्धक हैं और इस चीज़ को मैं काफ़ी मोटिवेटिंग मानती हूँ अपनी और अपनी पूरी टीम के लिए। और मुझे आशा है कि आगे और भी ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे। तेजस्वी गौतम को ही पदक्षेप को विपुल प्रशंसा मिलुची, किंतु यह तंकर प्रथम उद्यम नुहे। ये होंगे से ही अफिसर जी चा प्रस्तुत कर विभिन्न स्थान में मुतयन पुलिस कर्मी पहुँचाऊ पशु पक्षी जीवजंतु लगी घर खाद्य प्रस्तुत कर तेणु एसपी उद्यम को फलवर्ती करने लगी आपण भी किसी उद्यम करतु पुलिस कथा मानतु घरे रुहतु कारण सावधानता ही सुरक्षा। स्टे होम स्टे सेफ। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। एमिति तो कश्मीर प्रसिद्ध हस्तकलार चाहिदा दिनकु दिन कमिबार लागिछि। एभली समय रे कोरोना वायरस कारीगरंक संकट को आहुरी बढ़ाई दीछि। सेमानक जीवन और जीविका को संकट रु उद्धार करिबा पई प्रशासन सेमानक सहाय्य करिबा को अनुरोध करिछंती कारीगर। कश्मीर हस्तकला
ଭୂସ୍ୱର୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଉ ଏକ ପ୍ରତୀକ। ହେଲେ ସମୟ ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଖାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ କାରିଗର ଏବେ ହସ୍ତକଳା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରିଗରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ହସ୍ତକଳା ପାଇଁ ନାହିଁ କୌଣସି ମାର୍କେଟ ପଲିସି। ଏଭଳି ସମୟରେ ପୁଣି କରୋନା ଭାଇରସ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି କାରିଗରଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାହକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ହସ୍ତତନ୍ତ କାରିଗର। उतार चढ़ाव मैंने बहुत कुछ देखा इन 40 सालों में। पहले पहले ये काम बहुत अच्छा था, मतलब इतना अच्छा था कि जैसे कि मतलब समझो कि आज के जो मुलाजिम हैं, जो आजकल मतलब 50,000-60,000-70,000 तनख्वाह लेते थे, तो उन ज़माने में ये बात है कि मुलाजिमों का कहते हैं कि भाई आप मुलाजमत छोड़ दो, इस काम की तरफ आइए, ताकि इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा था और इज़्ज़त का एक मुकाम भी था। या आप एक इंडस्ट्रियल एरिया बना दीजिए हमारे लिए जहाँ पर आपको काम करना है, गवर्नमेंट वो माल ले ले, हम बनाएंगे, हम कारीगर हैं, हम बनाएंगे, वो ले लेंगे, वो आगे मार्केटिंग खुद करे, तब जाके कहीं पर ये आर्ट बचेगा और आर्टिस्ट भी बचेगा। पता है सर, ये जो अवार्ड हमने लिया है सर, जो मैंने अच्छा कारपेट बनाया सर, ये उस कारपेट का इसमें ये फोटो लगा हुआ है सर, उमर साहब ने सर ये दे दिया सर, लेकिन उन्होंने बताया था इसको आगे ले जाएंगे हम, लेकिन आगे ले जाने के बजाय ये पीछे होता गया सर, क्योंकि जो कि हैंडीक्राफ्ट का ये महकमा चल रहा है सर इस टाइम यहाँ पे, वो तो सिर्फ अपने नौकरी देखता है, मतलब वीवर को की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है सर। कारीगरों को अनुसार अंतर्जातीय मार्केट रे रहिछे ही कलारो चाहिदा, तबे से जाए पहुंची पारुनी एमानों को हस्तकला। अन्यपटे प्रशासन ए दिगरे सहयोग करबा को बारंबार प्रतिश्रुति देउथिले भी କିଛି ଲାଭ ହେଉନାହିଁ। କାରିଗରଙ୍କୁ ମାସିକ ପାଉଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଏହି ହସ୍ତକଳାକୁ ନେଇ ମାର୍କେଟ ପଲିସି ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ଏହି ହସ୍ତକଳା କାରିଗରଙ୍କ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀରର ହସ୍ତକଳା କାରିଗର, ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା କାଳରେ ସେହି ଭୂସ୍ୱର୍ଗରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର। କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଲୋକେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଏବେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ସହ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବି ଦେଉଛି। କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ଜାରି ରହିଛି ଲକଡାଉନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋକେ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଲକଡାଉନ ଫଳରେ ଏବେ ଲୋକେ ପରିବେଶର ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ବଢ଼ିଲାଣି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ର ଚାହିଦା। ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ନିଜ ଘର ବାଡ଼ିରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି, ସହରରେ ବି ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଥିପାଇଁ ମଞ୍ଜି ବିହନ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଲୋକେ କେମିତି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ବି ମଞ୍ଜି କିଣିବା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା 300 ଗୁଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି। और ये एक बड़ी खुशियां है और हम वी आर ऑल्सो एंथुजियास्टिक एंड वी आर फाइंडिंग द हम अपने प्लान करना है कि पहले तो हमने फॉर एग्जांपल हमने 10,000 लोगों के लिए प्लान किया था किचन गार्डन्स, 10,000 जो रूरल यहाँ पर पॉपुलेशन हुआ करती 10,000 किचन गार्डन्स होम मेड, अब इस साल 50,000 लोगों तक पहुँच गई है। तो सो दिस इज़ समथिंग वेरी बिग एंड वेरी अनप्रेसिडेंटेड और हमें बड़ी खुशी है कि लोगों के कितनी इस मामले में कि एक जज्बा है कि हम अपने ही घरों में वेजिटेबल्स बनाएंगे, इसमें एक मार्केट की डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी नंबर वन, एंड दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द जो वेजिटेबल हम समर्स में सरप्लस बनाते हैं कि उसमें वो कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड दिस वाज आवर कैंपेन एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें बड़ी कामयाब हो रहे हैं। लोगों को कहबा कथा घरे पनीपरिबा चासो करबा एक भलो अभ्यास, एहा द्वारा टाइम पास तो होई थाए
ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଘରେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ପନିପରିବା ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭକାରକ। लॉकडाउन की वजह से सबके पास टाइम है और सब चाहते हैं घर पे ही किचन गार्डन बने, हमारे पास भी था नहीं तो अभी हमने भी शुरू किया लॉकडाउन की वजह से। लगता है ये कोविड के बाद काफ़ी इंक्रीज हो गया है, लोगों को एहसास हो गया है कि उनके घर में जो खाली ज़मीन है उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और ये आपकी ऑर्गेनिक सब्ज़ी एक तरह से बन जाती है, यू नो, विदाउट पेस्टिसाइड्स। तो एक आदत अच्छी है, एक तरीका अच्छा है, ये लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, तो इसको हमें प्रोपेगेट करना चाहिए। किचन गार्डन जो लोके केवल ताजा पनीपरिया पाँच नुहे, लॉकडाउन रो कष्टदायक समय बड़ आश्वस्त भी पाँच। अनेक लोक यह समय कुकुड़ा फार्म और मईसी पालन प्रति आग्रह देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। अनुरोध, कोरोना विरोध में लड़ाई चली। न्यूज 18 आपन को निवेदन करुछि, घरे रुहंतु, सुरक्षित रुहंतु, अति जरूरी नथिले घर बाहर को बाहर तो नहीं, जदि बाहर छथि सामाजिक दूरता रक्षा करंतु, अन्य को सचेतन कर।